क्रिकेट किसी की पसंद नापसंद के आधार पर नहीं होता है। पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी को लगा कि माधव और अच्छे वोटों से जीत सकता है। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, मेरे को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और टिकट दिया है तो आम कार्यकर्ता खुश हैं, पूरे जिले के कार्यकर्ता खुश हैं, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता खुश हैं। चंद लोगों की विरोध, उनको टिकट नहीं मिलने का आक्रोश, और उसमें कुछ कांग्रेसी शरीक हो गए, सब ने मिलकर एक मजमा लगा दिया। बाकी इन चंद लोगों के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इनने पहले भी पार्टी को डुबाने का ही काम किया। इनने माधव मारू की वजह से पार्टी का नुकसान होता तो कैलाश चावला चुनाव नहीं जीतते। अगर वास्तव में देखो तो पिछला चुनाव अगर मैं नहीं लड़ा होता तो कांग्रेस जीत गई होती यहाँ से, फिर कैलाश चावला नहीं जीतते। मेरी वजह से भाजपा का नुकसान नहीं हुआ, मेरी वजह से सारा नुकसान कांग्रेस का हुआ। पर अपना अपना सोच है। संगठन मंत्री तो प्रयास करेंगे आम कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं नहीं, आज की जितनी भी आज जो धमाल हुई है वहाँ सम्मेलन के नाम पे, एक तो लोगों को भाजपा का कार्यक्रम के नाम से बुलाया गया, वहाँ के लोगों को पता लगा कि यहाँ कोरेगांव जो साइन करा रहे हैं और माधव मारू का विरोध हो रहा है उम्मीदवारी का, काफ़ी लोग वहाँ चले गए। कुछ लोग मंदसौर से बुलाए गए थे, कुछ कांग्रेसी बुलाए गए थे, और उन्होंने संगठन मंत्री जी के साथ झूमाझट की करी। पर वहाँ भाजपा के पदाधिकारियों के साथ और भाजपा के विधायक के सामने सब कुछ हुआ, निश्चित रूप से शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और उनकी जवाबदारी बनती है कि हमारे संगठन मंत्री हमारे पदाधिकारी हैं, अगर उनकी वो ध्यान नहीं रख सकते तो फिर इतना आक्रोश उनको नहीं भड़काना था। उस ऑडियो की जानकारी पूरे प्रदेश के संगठन को है, प्रदेश के संगठन ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने जांच करवा ली उस ऑडियो की। वो ऑडियो बनावटी है, टुकड़े टुकड़े काट के जोड़ा गया है, और उन्होंने हर तरह से जांच कर ली। मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, उनने खुद उस ऑडियो का जिक्र किया कि तुम्हारा एक ऑडियो आया था पर हमने उसकी जाँच कराई और वो गलत तरीके से बनाया, एडिट करके बनाया, टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनाया, तो इसलिए उसको कोई महत्व नहीं है। अब इस तरह के ऑडियो, अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ भी आया कुछ मामला, तपन जी भाई साहब के खिलाफ मामला आया, ये सब इस तरह के मामले अब तो आएंगे, ये चुनाव है तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन उसकी वजह से न कोई कार्यकर्ता में इसका असर है, न कोई संगठन में इसका असर है। सभी लोगों को पता है कि आज की तारीख में माधव मारू मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत के आने की स्थिति में, ये पूरे प्रदेश में रिपोर्ट है। प्रदेश तो ठीक है, पूरे देश में रिपोर्ट है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये रिपोर्ट है कि माधव मारू सर्वाधिक मतों से जीतने वाला है। देखिए, कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, पार्टी ने जो निर्णय किया है वो अपेक्षित नहीं था। जिस व्यक्ति ने पिछले 25 सालों से पार्टी का विरोध किया, पटवाजी की आंखें मूंदते ही उसको टिकट दे दिया, ये कौन सा तरीका हुआ? कार्यकर्ता की नब्ज नहीं देखी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी को यहाँ वापस स्थापित किया है, तो कार्यकर्ता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उस आक्रोश की व्यक्तियाँ हुई है, और कोई यहाँ जितने कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कोई तो पार्टी विरोध नहीं है, सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सब ये चाहते हैं कि पार्टी का जो नारा है अब की बार 200 पार वो पूरा किया जाए, चौथी बार हमारी सरकार बने, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। परंतु शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या मनासा में कार्यकर्ताओं को दमन करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता? इस बात का आक्रोश कार्यकर्ताओं में था, और आज भी हम सब कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, हम उसमें मदद करें। 200 में मनासा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की, पर वो तभी हो सकती है जब उम्मीदवार कार्यकर्ता के मन का हो, जो पार्टी का काम करता हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने वाला नहीं हो। मुझे विश्वास है कि संगठन मंत्री जी और जिला अध्यक्ष जी जो उपस्थित थे उनके माध्यम से बात हमारी संगठन तक पहुँचेगी और निश्चित रूप से इसका निकाल होगा। ऐसे में अगर पार्टी अपना निर्णय वापस ले लेती है तो? देखिए, हम जिस तरीके का संगठन है भारतीय जनता, उसमें कार्यकर्ता की बात पे तवज्जो दिया जाता है। किसी कारण से जो मुझे ज्ञात नहीं है ऐसा निर्णय पार्टी के वरिष्ठों ने किया, तो आज का सम्मेलन उनको इस बात को रेखांकित करने के लिए ही था कि निर्णय उचित नहीं है, इसको बदला जाए। और मेरा नेतृत्व के प्रति विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की इन भावनाओं को नेतृत्व समझेगा और अवश्य इसका निराकरण करेगा। जहाँ तक टिकट की बात का सवाल है, कार्यकर्ताओं में ग्राउंड रियलिटी इन लोगों को
पहुँचाने चाहिए थी, अब इन्होंने पहुँचाई या नहीं पहुँचाई है मेरी जानकारी मिली। अब इनके इन्होंने पहुँचाई है और ऊपर से निर्णय हुआ है तो मुझे नहीं मालूम, इन्होंने गलत पहुँचाई है तो मुझे नहीं मालूम, तो ये तो वही बता सकते हैं। पर चूंकि प्रथम संपर्क जो है वो संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष का होता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोष है कि आपको हमारी सच्ची बात जो थी, मन की बात थी, वो हमको आपको संगठन तक पहुँचानी चाहिए थी और आप पहुँचा दें तो निर्णय उसके मुताबिक होता, इसलिए आक्रोश। जिस प्रकार से बगावत करने वाले का विरोध किया जा रहा है, ऐसे बगावती अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ लेते हैं तो इस समय क्या 200 पार की बात कर रही है पार्टी? क्या देखिए, हम तो इसी बात को पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले, अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाए, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करें।